ट्री का जो फेमस गाना एंड डबन ट्री का फेविकोल, ये सब तो देखा ही होगा ना। चलिए बात करते हैं यूवी से। यूवी, आप तो पहले आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में बताइए, इसमें आपने कौन सा गाना गाया है? इसमें मैंने गजल गाई है, फॉर अ चेंज। आजकल गजलें नहीं होती, लेकिन इसमें गजल है जो कि इंग्लिश वेस्टर्न से फ्यूजन में कुछ गाया है। इकबाल, मतलब माई फादर इकबाल, जैसे कि नाम ही कितना कमाल का नाम है, तो इसमें गजल होना एक लाजमी बात थी। तो विश्वजीत म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया है, एंड लिरिसिस्ट कृष्णा भारद्वाज, उन्होंने बहुत ही कमाल के वर्ड्स लिखे, तो मैंने वो कोशिश की है। आपका ट्रेलर बहुत अच्छा है फिल्म का, सो इस फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे? माई फादर इकबाल। या माई फादर इकबाल जो है एक ऐसे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की कहानी है जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और इस ईमानदारी के रास्ते में इस पूरे प्रकरण में जो समस्याएं सामने आती हैं, उन समस्याओं से उसका जूझना और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना, ये बेसिकली माई फादर इकबाल की कहानी। This has been a magnificent experience for me, right from the day one when Sajjad called me and said that, you know, like, this is a character, and this character I want you to play, because if you don't have dates, then maybe, you know, like, even if I have to wait for another 6 months or 6 years, I'll wait, but you will do this character. The character, as he said, that is basically, you know, somewhere this is based on real life incidents, and he's basically, you know, an engineer working with the PWD department, public works department. Actually, सबसे पहले तो पूरी टीम, सभी आने वाले लोगों को सबको थैंक्स मेरा। फिल्म के बारे में बहुत ही कम कहूँगा। बेसिकली हम सब जब हम सब के फादर होते हैं, हम सब के सन होते हैं, तो हम एक ह्यूमन बींग हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एक छोटी सी कहानी है एक बाप और बेटे के बीच ग्रोइंग रिलेशनशिप के बीच में। एक म्यूजिकल फिल्म जिसमें हमने यंग म्यूजिक एक ग्रोन कपल पे हमने मतलब पिक्चराइज किया है। बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, बहुत ही प्यारी कहानी है, और उसके साथ एक इमोशनल मुद्दा है जो मैं रिवील नहीं कर सकता, जो फिल्म के लुक्स में आपको जो सब दिखेगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सब्जेक्ट जो था वो फादर और सन का, तो मैं भी मेरा भी सन है यश, तो मैंने स्टोरी को देखा तो उसमें काफ़ी मैं अट्रैक्ट हुआ स्टोरी के बारे में, और जब उन्होंने लोकेशन की मुझे बात की जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, तो जब लोकेशन मैंने दिया, मतलब उन्होंने हमने रेखी की लोकेशन की, तो काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट था, और स्टोरी जो उन्होंने बताई वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव थी।